जबलपुर मदन महल क्षेत्र में दशमेश द्वार के पास देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक रही कि टेंट हाउस का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम की 4 गाड़ियों को मशक्कत करना पड़ी। करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। नगर निगम के अग्निमिशन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात करीब 1 बजे से उसके आसपास आग लगने की सूचना आई और जिसके बाद रात 1:05 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके के लिए रवाना हो गई और गोदाम मालिक आशीष सेनी ने इस हादसे का कारण अज्ञात बताया है। आशीष का कहना है कि उसके गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और इस घटना में करीब 90 लाख का क्षति का जो है होने का अंदाजा जताया जा रहा है। आग पर सुबह 4 बजे काबू पाया जा सका और इस दौरान फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां लगी रहीं। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। घटनास्थल क्लासिक अपार्टमेंट के पास मुख्य मार्ग पर ही स्थित रहा और इसलिए फायर फाइटर्स को मौके पर तक पहुंचने में बहुत परेशानी नहीं हुई। इस गोदाम के आसपास अनेक अन्य मकान और प्रतिष्ठान रहे। मुख्य मार्ग से आवाजाही सुलभ होने की वजह से ये घटना और अधिक विकराल रूप नहीं ले पाई।